वीर गाथा में आज बात सरदार अजीत सिंह की। वर्ष 1881 में जन्मे सरदार अजीत सिंह भारत के सुप्रसिद्ध राष्ट्रभक्त एवं क्रांतिकारी थे। 1909 में 27 वर्ष की आयु में सरदार अपना घर छोड़कर देश सेवा के लिए विदेश यात्रा पर निकल चुके थे। ईरान के रास्ते तुर्की, जर्मनी, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, इटली, जापान आदि देशों में रहकर उन्होंने क्रांति का बीज बोया और आजाद हिंद फौज की स्थापना की। अजीत सिंह ने भारत और विदेशों में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों में पूर्ण सहयोग दिया। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और खुलकर विरोध भी किया। रोम रेडियो को अजीत सिंह ने नया नाम दिया आजाद हिंद रेडियो तथा इसके माध्यम से क्रांति का प्रचार प्रसार किया। अजीत सिंह सन 1947 को भारत वापस लौटे। जिस दिन भारत आजाद हुआ उस दिन सरदार अजीत सिंह की आत्मा भी शरीर से मुक्त हो गई। 15 अगस्त 1947 की सुबह 4 बजे जय हिंद कहकर वो दुनिया से अलविदा कह गए। भारत के ऐसे महान क्रांतिकारी को हमारा शत शत नमन।